मानने से भी इनकार करते हैं। कैसे हो दोस्त?
कारण तुम इन तीन रंगों की अमानत को भी नहीं पहचानते। अरे साहब साहब साहब, कौन है तुम और किसको भेजा है तुम्हें यहाँ? मैं वो हूँ जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि झंडा इज्जत से फहराया जा सके। मैं उन हजारों लाखों शहीदों में से एक हूँ जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उनकी इस देश की आने वाली पीढ़ी यानी तुम खुली हवा में सांस ले सके, आजादी से अपना और अपने मुल्क का मुकद्दर बना सके। ठीक मैं सरदार हूं, सरदार भगत सिंह संधू, इंकलाब जिंदाबाद कहकर अपने वतन पर मर मिटने वाला भगत सिंह। क्या नाम बताया तुमने अपना? सरदार भगत सिंह। सुना भाई मेरे बहनों, 47 साल बाद सरदार भगत सिंह फिर लौट आया। लौट कर आ रहा है भगत सिंह क्योंकि उससे तुम्हारा यहाँ चार देखा नहीं गया। जिस माटी को छूकर हमने अपनी जिंदगी निछावर कर दी, आज आजादी के बाद उसी धरती को बांटने की, उसके टुकड़े करने की बात करते हो तुम। चलो अगर मान दीजिए कि तुम वही सरदार भगत सिंह हो तो भी तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। हमने तो उसी आजादी के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, आजादी किस आजादी के लिए? सच्चाई यह है कि तुम सिर्फ अराजकता फैला सकते हो। तुम्हें ना आजादी के मायने समझ आया है और ना ही तुम ये समझते हो कि तुम लड़ किससे रहे हो। अरे हमें पता है आजादी क्या है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लड़ाई नहीं साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों से है। वेरी गुड। ओ मूर्खो, कुछ ना जानना कुछ ना समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ना जानकर भी जानने का दावा करना, अरे सबसे बड़ी मूर्खता है। ओए मूर्खता। मैं चंद विदेशों की किताबें पढ़कर और अपने गुरु भंडारों के कमरे में क्रांति उगाने की खेती सीखकर ये रटी रटाई बातें करना चाहते हो तुम बस? अरे इस देश में तुम्हें इतनी आजादी है कि इसकी राजधानी में सरकारी खर्चे पर रहकर भी तुम इसके खिलाफ नारे लगा सकते हो, इसके टुकड़े करने की बात करते हो। और तो और, इस तिरंगे में आग लगाने की भी हिमाकत करते हो। अरे लालच है तुम पर, लालच। दरअसल तुम इस आजादी की कीमत को समझते ही नहीं हो, इसलिए बात बेबात वक्त बेवक्त इस पर सवाल उठाते हो। गुलामी क्या होती, गुलामी किस किस तरह से जिंदगी के सामने आती, फिर तुम कैसे समझ सकते हो? गुलामी की इंतहा, गुलामी के जख्म जानने हैं तो उस 12 साल के बच्चे से पूछो। Thank you.
Oh,
जा, तेरी बात अलग बुला रही है, जा। उम्र की नहीं बल्कि उस परवरिश की जरूरत थी जो
गुलामी के उन दिनों में भी हमें अपने लोगों के दुख तकलीफ से लगा रस खाए। हमें बताया गया कि जिस धरती के लोग अपनी माटी से प्यार नहीं करते वो एक पशु के समान है, जो कहीं जैसे तैसे अपना पेट भर पाते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करते और एक दिन मर जाते हैं। उनकी ना जिंदगी के वायदे होते हैं और ना ही